That's one. Zoom it, zoom it. Sumit the writer. Sumit the writer. I'm wrong here. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाई आवाज गूंज रही है जो आपको लग ही रहा था। आज हमें बाहर हवा चल रही थी इसलिए इंट्रो यहाँ शूट करना पड़ रहा है। थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया। भाई आज हम हॉर्स राइडिंग करने आ रहे हैं। मैं कई दिनों से मेरा मूड था कि भाई आए हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो मैंने सुमित जी कहा मैं भाई सुमित हॉर्स राइडिंग कराएंगे। सुमित कहता भाई आ जाओ, सुमित के जानकार है तो वहाँ चल पड़ते हैं। सुमित और एक बजरंग भैया भी है जो साथ में है, आ रहे हैं वो, इनका स्टेबल है। तो भैया बताओ क्या अंदर घोड़े है भाई। और मैं बताता हूँ भैया, मेरे को नहीं आती हॉर्स राइडिंग बिल्कुल भी, पर मेरे को करनी है। नहीं बहुत ही इजी है। आप मेरे को ए टू जेड चीजें बताना, और जो अपने व्यूअर्स देख रहे ना, जैसे कईयों का शौक होगा जैसे मेरी तरह कि भाई घोड़े पसंद है पर आता कुछ नहीं, जो मेरे शुरू शुरू में तो किसी को नहीं आता है। आपने भी कभी सीखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप हमें सिखाओ, आप बताएंगे आपको मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कैसे चलाना, कैसे होता थोड़ा सा सारी चीज बताओ, फिर आप भी हॉर्स राइडिंग करते हैं। फिर बजरंग भाई भी आ गए। बजरंग भाई ये आ गए। क्या हाल भैया? बढ़िया। तो बजरंग भैया भी आ गए और दिनेश भी आ गए, सिखाएंगे आज आपको हॉर्स राइडिंग कैसे होती है। और धीरे धीरे अगर पसंद आए, पसंद तो आनी ऑब्वियस ही बात है, तो और वीडियोस में भी आएंगे। ठीक है चलो चलते हैं। कालवी है जी। और मारवाड़ी नस्ल है। मारवाड़ी नस्ल है जी। ये 5 महीने की होगी जी। अभी 5 महीने की बच्ची है, देख लो। 5 महीने की बच्ची होगी। बहुत सुंदर बच्ची है, देख। ये छोटी है लेकिन शो स्टॉपर बच्ची है जी अपनी। सुंदर तो है, छोटी है लेकिन शो स्टॉपर बच्ची है अपनी। अच्छा जी, खूबी इसकी क्या है? खूबी इसकी ब्लड लाइन है जी। अच्छा। पुरानी ब्लड लाइन से देव दरबार एक ब्लड लाइन है। अच्छा। उससे बहुत अच्छी ब्लड लाइन है वो। तो अपना एक एटीट्यूड है अपना है, इसके अंदर तौर तरीका है इसके बच्चे के अंदर, खून के अंदर। अच्छा, जैसे अपने रॉटवाइलर हो गए, इनमें लोगों ने मिथ है कि मतलब ये अग्रेसिव होते हैं, तो इनका भी ऐसे कुछ सीन होता है क्या? नहीं 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 जी, ऐसा कोई भी जानवर का नहीं होता, वो प्योर मिथ ही है। मिथ ही है ये, हर एक जानवर के लिए ही अप्लाइबल है वो, सब मिथ है। वो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा। अच्छा, और वो बताओ भैया, वो दो दांत वाला, दांत वाला मतलब कैसे, क्या सीन होते हैं, पता कैसे चलेगी वो दो दांत है? दो दांत ऐसे होते हैं भाई बजरंग, बताओ भाई साहब। अब ये 5 महीने की बच्ची होगी। हाँ, अब ये चौगड़ी में है भाई साहब, ये देखो, ये चौगड़ी भी इसने अभी पूरी नहीं निकाली है। ठीक है। और ये छगड़ी जिस टाइम निकाल लेगी छठे दांत, उस टाइम इसकी एज मान के चलो आप 9.5-10 महीने हो जाएगी। अच्छा, अभी ये 5 महीने की होगी, तो अभी चौगड़ी पूरी आपकी पूरी कंप्लीट नीचे निकालने लग रही है। दूध के दांत, ये दूध के दांत है जी, दूध के दांत। हाँ जी, उसके बाद जो दो दांत। हाँ जी, और है अपने पास दो दांत, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये भी सही है, आप आपको किसी को मतलब किसी को नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, है ना। चलो अब दूसरे ये जो है वो आप लेकर। संजू, संजू नाम है जी भाई साहब, और मारवाड़ी घोड़ों को बहुत ही अच्छा नाम दिलाने वाला घोड़ा था, आलीशान रॉय टिकट वाला, उसकी एक ग्रैंड डॉटर है जी, ढाई साल की होगी। अब देख, दो दांत वापिस आई ना, वो बात तो प्रैक्टिकल बताएगी। इसने गिराए हैं दो दांत, अब निकालेगी दो वाले दांत गिरा के। तो मतलब अब जो दो दांत हो गए, इसके बाद अब राइटिंग वगैरह वो सारी चीजें इसके बाद शुरू। हाँ जी, हाँ जी, अब तीन चार मंथ के बाद में सारी चीज शुरू कर। हाँ जी, थोड़ी बढ़िया इसको
सेवा खुराक करके बढ़िया इसको सारी चीजों उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। भाई सुंदर है यार, बहुत ज्यादा सुंदर चीज है। मैं तो पहली बार इतनी पास आ रहा हूँ किसी इतने बड़े जानवर के। बहुत सुंदर है भाई। अब समझ आया कि लोग क्यों मतलब इनके पीछे पागल है। जैसे हम जैसे रॉटवाइलर और ब्रीड से अलग है, हाँ जी, है ना, तो वैसे ही वही चीज है इनमें, मतलब पागल हो जाता है बंदा। इनका खुद ही एक नशा है जी। शांत पूरे भाई, देख पहली बार मिल रहा हूँ मैं, बिल्कुल पहली बार। बहुत लाइन के अंदर यही खास बात होती है, मतलब ब्लड के अंदर ही है ये चीज। बहुत अच्छे, ये देख लो भाई एक बार साइड में से देख लो। इसकी हाइट वगैरह क्या बोला? इसकी हाइट है जी भाई साहब, अब तो 16 इंच है भाई साहब। हाँ जी, 60 इंच की होगी। 60 इंच अभी तो और भी होगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, अभी तो 2 इंच 3 इंच नॉर्मली। कब तक है मतलब इनकी हाइट कब तक बढ़ती है? ऐसे तो भाई साहब घोड़े की हाइट 5 साल तक बढ़ती है। हाँ जी बढ़ती है, तो 2.5 साल की होगी अब इसकी। 2.5 साल के अंदर 2 इंच 2 इंच अब और बस। हाँ जी, वो 2.5 साल के अंदर करेगी तो। और ये हाइट कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? ये यहाँ शोल्डर तक नापती है भाई, यहाँ से। अच्छा, शोल्डर तक। यहाँ देख लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट नापी जाती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थोड़े से एक बार चलाओगे? ये भाई साहब अपनी बहुत ही प्यारी और पुरानी घोड़ी है अपनी फार्म की। अच्छा, हाँ, तो इसने अभी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती है, 2 बार बच्चे दे दिए इसने अभी आपके पास। हाँ जी, हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और ये बड़ी भी लग रही है उम्र में मेरे को। हाँ, ये भाई साहब होगी लगभग 7.5 साल की होगी। अच्छा, 7.5 साल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो पूरी अडल्ट है? हाँ जी, पूरी अडल्ट है। तो पहले आपको बच्ची दिखाई थी संजू, तो इसी की बच्ची है। अच्छा, ब्रीडिंग है अपनी। अच्छा, जो भी पहले अभी जो अपनी फीमेल आई थी ना, वो इसकी बेटी है। तो वो देख लो, वो 2.5 साल की हो रही है। तो फिर ये तो ऑब्वियसली बात है, 7.5 साल हो, 7 साल की, 7.5 साल की, 7.5 साल की है। बस यहाँ ही घुमा लो भैया, यहाँ ना बस देखो भाई पूरी कितनी बड़ी फीमेल है यार। तो नहीं आ रहा इसके? ना ना, बहुत सुंदर है। और सर पहली बार मिल रहा हूँ भाई मैं, पहली बार। तो बिल्कुल भी गुस्सा तो कुछ भी नहीं है भाई, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कहते हैं ना घोड़े हाथ नहीं लगाने देते, है ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत समझदार, बहुत ज्यादा समझदार घोड़ी अपनी फार्म की। और पहली बार हूँ मैं, कहीं लगा वीडियो में कहो कि डर रहे तो थोड़ा तो इतना लगता ही है, पर वैसे मैं डर नहीं रहा हूँ। देख लो भाई अभी तो सीखे भी गए कैसे कैसे राइड वगैरह क्या करते हैं ना भैया। हाँ जी, चलो अब और दूसरी और ले जाते भैया। ये एक और हीरा है भाई अपने पास फार्म पे, अडल्ट है, बड़ी ही अच्छी मेयर है अपनी। ये ब्लेज कहलाता है जी, आगे ब्लेज, ब्लेज कहलाता है। वैसे तो ये चुंबी में आ जाती है, लेकिन इसको ब्लेज कहते हैं आगे, जो पटा होता है। बहुत ही अच्छी प्रोड्यूसर घोड़ी है जी अपने फार्म की, बिल्कुल सपोर्टलेस बच्चे देती है। नुकरे वाइट, बिल्कुल नुकरा, बिल्कुल सपोर्टलेस वाइट, वाइट आ जाता है, बिल्कुल सपोर्टलेस बच्चे देते हैं। 3 बार बच्चा दे दिए, तीनों ही फीमेल ही दी है, बच्ची दी है तीनों लगा। खासियत इसके अंदर जो है एक मेल भी देते हैं, मेल मतलब दे देते हैं, लेकिन ये फीमेल ही देती है। अच्छा, घर पे ही घर की और चारों पैर वाइट आ गए, सिर्फ चारों पैर और माथे ब्लेज वो पंच कनाल होती है। ये चंपी में आगे भाई साहब होता है, यहाँ देखो व्हाइट स्पॉट आगे। अच्छा, हाँ जी, ये देखो यहाँ आगे नीचे आगे पेट पे प्रॉपर ही हो रहे हैं, प्रॉपर मार्किंग है जी, वो मार्किंग है, मार्किंग के नाम मार्किंग है जी।
अभी पूरी नॉलेज लेने लग रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नए बंदे हैं ना, वैसे ही वो ही देखोगे उनको और भी ज्यादा फायदा होगा। अभी ये कंसीव करवा रखी है अपने, अभी घोड़ा है बकरपुर मोहाली चंडीगढ़, नूरा किंग नाम से बड़ा ही फेमस नुकरा मोस्ट पॉपुलर घोड़ा है जी। और ये मान के चलो हर शो के अंदर 10 बच्चे उसके प्रेजेंट कर रहे होंगे, लगेंगे शो में तो 8 बच्चे चैंपियन उसी के बनते हैं, बहुत चैंपियन है। चलो फिर अपना बहुत अच्छा प्रोडक्शन है जी बकरपुर मोहाली। और दूसरी बात भाई साहब, बहुत हाइट वाली बच्ची देती है, हाँ जी 64-65 इंच की बच्ची नॉर्मल। अब ये कंसीव है अपने, ये 4 महीने की होगी जी। तो बच्चे कब से? 11 महीने के बाद बच्चा देगी, काट देगी। कोई नहीं, फिर वो बच्चा होगा वो भी दिखाएंगे आपको, और होप करते हैं कि बहुत बढ़िया मतलब चैंपियन ही होए वो भी। हेलो भाई, एक और नया स्पेसिमेन आ गया, आगे बताओ भी इसके बारे में। ये एक और मेयर है जी अपने, सुंदर और ब्लैक मेयर है जी, ब्लैक में है, पूरी ब्लैक है भाई। ये भी पूरी अडल्ट है। अच्छा, हाँ जी अडल्ट हो गया, मतलब तकरीबन इसकी 3.5-4 साल उम्र है। वैसे तो 5 साल तक मान्या जाए, 5 साल तक ग्रोथ करता रहता है, लेकिन फिर भी मान्या है बच्चे में नहीं रही है। ठीक है, एक बार ये बच्चा दे चुकी है, अभी आगे कंसीव कराएंगे। बेसिक चीजें तो यही है, एक बार घोड़े का थोड़ा सा ऐसा लेना होता है, घोड़े के साथ जानकारी बनानी होती है, एक बॉन्डिंग होती है जी घोड़े के साथ में हमारे, उस बॉन्डिंग पे ही घोड़ा चलता है। तो पुराने टाइम में थे मारवाड़ी, जिसके लिए फेमस है, अपने मालिक के लिए बड़ा ही वफादार होता है। पहले लड़ाइयों में जो राजे महाराजा यूज किया करते थे, अपने दो सवार घायल हो जाता था इनका युद्ध के अंदर, तो घायल होने के बाद भी ये मारवाड़ी जो नस्ल है अपने सवार को साथ लेके आया करते, यूं नहीं होती थी भाई घायल हो गया गिर गया तो वहीं छोड़ के आना। चलो भाई पहला स्टेप हो रहा है। हाँ, बस ये थोड़ा सा लूज भी पकड़ेंगे इसको, आराम से चल के आए। ठीक है, मतलब ये समझ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, समझ जाते हैं। चलो भाई हमारा पहला स्टेप तो हो गया पूरा। देख ले बॉडी रोड व्हीलर का दूध आ गए गेड़ नहीं चलाड़े एक खेत ले उन्ने मुड़ दी, खेत ले उन्ने आ कलिए पूरा आ जा बस बस गुजू आ जा बे सुन पिट नहीं कर मेरा खातर बांधी बैठ तो पर देख ले सब करा के आज बटे थोड़ा ठीक है पहली बार हां क्या मैं चढ़ जाऊंगा धीरे धीरे लात को नहीं मारू छिकले <देखे। laughs>
सुमित द राइडर सुमित दौड़ा रही थी और भैया से अगर घोड़ों के बारे में कुछ भी पूछ रहा हो तो मैं भैया का नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है भैया? ठीक है, मतलब किसी को जो भी नॉलेज लेनी है सब चीज आप भी पूछना चाहे, जिसको भी कोई जानकारी लेनी है या घोड़े से रिलेटेड है या और भी कोई है, बात करना चाहते है तो कर सकते, आप भैया से बात कर लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट भी उसी पे है, बोलिंग भी है आप। तो दोस्तों कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जरूर मतलब जरूर बताना कि कैसा लगा ये व्लॉग, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं ये भी आप बताना, ठीक है? इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग और कुछ धमाकेदार होगा, कोई सरप्राइज है वो जरूर देखना चाहोगे आप, तो वो जरूर देखना आप, नेक्स्ट व्लॉग आएगा एक दिन छोड़ के अगले दिन। ओके, बाय बाय।